हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिंदरपाल कौर वैलनेस सेंटर संगरूर तो अनुगुरू हुई हाँ। मैं अब थोड़े नाल एक जी है थेरेपी वो साझी कर लगी हाँ। कलैपिंग जी है वो अक्सर करने किया जाता पेशेंट न और जी कलैपिंग है वो बारे मैं दसूंगी कि कलैपिंग जी वो करनी किमें और कदों करनी है और किस तरह करनी है ठीक है और नाल ही बेनीफिट की ने। सब तो पहले तो जिहड़े भी कलैपिंग करना चाहते हैं सवेर टाइम उन्होंने को वक्त हों कलैपिंग दिन के घट्टो घट तीन बार भी कर सकते हो। जी कलैपिंग है कि सवेरे खाली पेट कर सकते हो उठन सर गर्म पानी जो पेशेंट चल रहे हैं उन्होंने तो पता ही भी गर्म पानी पीना है गर्म पानी पी के तुलसी वगैरह ऐड कर सकते हो नाल गुड़ खा सकते हो ठीक है। और जो तुम कलैपिंग करनी है तो उस वक्त कदे भी सुके हाथों के उपर कलैपिंग नहीं करनी तुम हाथ के उपर तुलसी ड्रॉप्स लगा सकते हो कोकर डिवर्जन ऑयल वो लगा सकते हो ठीक है जो मैगनीशियम लगा सकते हो जो वो भी नहीं है तो सरों का तेल लगा के भी कलैपिंग कर सकते हो। क्योंकि कलैपिंग करने का जो तरीका वा वो इस तरह का कि बाहां तुहाडी पिछे शोल्डर थोड़े तक खुले हो ठीक है और हाथ जो इन्ने पिछे होने चाहिए जिस तरह बॉयज जिहड़े ने जिम च मुंडे कुड़े जाते जिम के इस तरीके अपनी जी है जिम के प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े जो हाथ ने इन्ने पिछे होने चाहिए जो कलैपिंग करने का थोड़े हाथ इदा खुले होने चाहिए क्योंकि जो कलैप करना तो नक् की सेहत में थोड़ी जी कलैपिंग बंद होनी चाहिए इस तरीके ठीक है। और जी कलैपिंग है तुम स्टार्टिंग करोगे तो वो तो वह डेढ़ मिनट दो मिनट ही थोड़े को होगी क्योंकि शोल्डर पेन कर लग जाएगी सो इदा जिमें जिमें करते जाओगे जो हौली हौली थोड़ा स्टैमिना बन जाऊगा। कलैपिंग तुम 5 से 15 मिनट तक कर सकते हो जिन्ना अगे अगे थोड़ा वाधा जाएगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जिमें जिमें थोड़ा टाइम निकलता जाएगा 20 दिन निकल गए 25 दिन 30 दिन तुहानूं बॉडी से खुद चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। हुण मैं तुहानूं दस दी कि तुम ये किस टाइम कर सकते हो अगर तुम खाली पेट करते हो तो बेस्ट आ जे उदो भी टाइम नहीं मिलता तो दिन के खाना खाने को 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद करोगे तो भी बहुत वधिया खाना खाने को तुरंत बाद जी है कलैपिंग नहीं करनी। हुण आपां अगे नैक्सट गल करांगे जी कलैपिंग आ गई उहदे फायदे की ने जिहड़े भी किसी पेशेंट कोई शुगर का पेशेंट आ जां किसी नूं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ कब्ज की प्रॉब्लम आ जां किसी नूं सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक है जोड़ां 'च दर्द हो रहा सो उन्हां दे विच बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुंदा तां 3-4 जिहड़ियां मेन चीज़ां ने हार्ट का पेशेंट उहदे लई मतलब ये कह सकते कि राम बाण है एक तरह उन्होंने कलैपिंग मुफ्त की तुहाडी दवाई है कोई खर्चा नहीं है क्योंकि साढ़े हत्थां दे विच की आ 29 पॉइंट होंगे जो तुम 29 पॉइंट तुहाडे प्रेस होणगे तो ब्लड सर्कुलेशन की आ बहुत ज़्यादा तेज होगा और वो की आई ब्लॉकेज है किसी नाड़ा की ब्लॉकेज होंगे कहीं नाड़ा जिम्मे लत्तां दी नाड़ा ना नीलियां पैन लग जाए सो उत्थे कोई घबराने की गल नहीं है ये थोड़ी एक मुफ्त दवाई है तुम घर बैठे भी अपना इस तरह इलाज कर सकते हो। सो जे भी पेशेंट मैंने अक्सर पूछते हैं कि करना किमें करना ये उन्होंने सारे लिए आ ठीक है जी। सो तुम इस तरह कलैपिंग करते रहो बाकी जो ट्रीटमेंट और लेंगे रहो। थैंक यू सो मच ओके।